Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज की ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज है अपने पास Honda 125 सेगमेंट की दो बाइक्स SP 125 और Shine 125। तो आज की इस वीडियो में दोनों बाइक्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताऊंगा, प्राइसिंग वाइज आपको किस बाइक को प्रेफर करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। एंड स्पेशल थैंक्स टू अधिकारी ऑटोमोबाइल्स जडेश्वर। अगर आपको शोरूम का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो नीचे आए नंबर से आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ये SP125 जो है सामने ये डिस्क ब्रेक है। डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में आपको सिर्फ ब्रेकिंग का डिफरेंस मिलता है और कुछ नहीं। तो और होंडा शाइन 125 जो सामने है वो ड्रम ब्रेक है, तो मान लो दोनों ड्रम ब्रेक ही है, बस ब्रेकिंग का अंतर है। और प्राइसिंग की बात करें तो SP125 की एक शोरूम प्राइस ड्रम ब्रेक में लगभग 86,000 के आसपास पड़ता है और शाइन 125 की ड्रम ब्रेक में एक शोरूम प्राइस लगभग 80,000 के आसपास पड़ता है। तो ये है प्राइसिंग के डिफरेंस दोनों बाइक्स में। तो शुरू करते हैं हर बार की तरह सामने से। सबसे पहले SP125 की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे LED हेडलैम्प दिया गया है, LED लिखा भी है। उसके बाद मडगार्ड की बात करें तो फाइबर का दिया गया, मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और उसके बाद सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, रेक्टेंगुलर शेप का आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। फ्रंट व्हील की बात करें तो फ्रंट में आपको 80/100 का टायर प्रोफाइल दिया गया और 18 इंच का व्हील दिया गया फ्रंट में सीएट का। और वही दूसरी तरफ शाइन 125 की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलता है। उसके बाद आपको हेलोजन बल्ब दिया गया, यहाँ पे LED देना चाहिए था लेकिन हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है। उसके बाद मडगार्ड आपको फाइबर का दिया गया है, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन दिया गया, रेक्टेंगुलर शेप आपको रिफ्लेक्टर दिया गया यहाँ पे। और शाइन 125 में भी आपको 18 इंच का व्हील मिलता है फ्रंट में और 80/100 है इसका टायर प्रोफाइल, मतलब व्हील और टायर प्रोफाइल दोनों बाइक्स में सेम है। आता है साइड प्रोफाइल में तो साइड से SP दिखता है कुछ इस तरह का, आप सभी को पता है यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग, यहाँ पे SP 125 की बैजिंग। और वही दूसरी तरफ हम शाइन 125 की बात करें तो शाइन दिखता है कुछ इस तरह का, यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग, यहाँ पे 125 की बैजिंग, शाइन की बैजिंग पीछे। तो फ्यूल टैंक की बात करें तो शाइन में आपको 10.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक दिया गया और 1.3 लीटर्स की रिजर्व टैंक दिया गया। वही दूसरी तरफ SP 125 में आपको शाइन से बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है 11.2 लीटर्स की और 1.7 लीटर्स की आपको रिजर्व टैंक दिया गया है SP में। तो भाई शाइन की व्हील है। और इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो SP 125 में आपको 124 cc का इंजन दिया गया है 5-speed गियरबॉक्स के साथ, जो पावर जनरेट करता है अप्रॉक्स 10.72 bhp और 10.9 nm ऑफ टॉर्क का। वही दूसरी तरफ शाइन 125 में आपको 123.94 cc का इंजन दिया गया है 5-speed गियरबॉक्स के साथ, जो पावर जनरेट करता है अप्रॉक्स 10.59 bhp और 11 nm ऑफ टॉर्क का। तो इंजन के मामले में दोनों बाइक्स में डिफरेंस तो है नहीं, 124 cc का इंजन दिया गया दोनों बाइक्स में। माइलेज की बात करें तो SP में आपको 65-70 kmpl का माइलेज मिलेगा, उससे भी ज़्यादा मिल सकता है रियल लाइफ में, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो। शाइन 125 में भी आपको वैसे ही माइलेज मिलेगा क्योंकि इंजन भी सिमिलर है। कर्व वेट में दोनों बाइक्स में डिफरेंस है, SP 125 की वेट जो है वो 116 kg के आसपास और शाइन 125 की वेट जो है वो लगभग 113 kg की आसपास है, मतलब 3 kg की डिफरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे शाइन 125 में आपको 162 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, वही दूसरी तरफ SP 125 में 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, मतलब SP की ग्राउंड क्लियरेंस शाइन 125 से कम है। और बात करें साइड में, यहाँ पे साइड स्टैंड आपको इंजन कट ऑफ के साथ दिया गया है। आपको कैसे पता चलेगा इंजन कट ऑफ के साथ है कि नहीं, आपको ये वाला वायर मिलेगा अगर इंजन कट ऑफ है तो। और यहाँ पे फुटरेस्ट दिया गया है रियर पैसेंजर के लिए, यहाँ पे चेन कवर आपको प्लास्टिक का दिया गया है, यहाँ पे एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है रियर में, शारी गार्ड आपको प्लास्टिक का दिया गया है और टेल लैंप आपको हेलोजन बल्ब के साथ दिया गया है। इंडिकेटर्स आपको चारों के चारों हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है। रियर व्हील की बात करें तो रियर व्हील आपको 18 इंच का मिलता है और 80/100 इसका टायर प्रोफाइल है, सीएट का मिलता है रियर में। दूसरी तरफ शाइन 125 की बात करें तो इसमें भी आपको इंजन कट ऑफ के साथ मिलता है साइड स्टैंड, यहाँ पे आपको वायर देखने को मिलता है यहाँ पे ये वाला, और चेन कवर आपको प्लास्टिक का मिलता है, सारी गार्ड आपको प्लास्टिक का दिया गया, यहाँ पे एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन दिया गया, टेल लैंप आपको हेलोजन बल्ब के साथ दिया गया, इंडिकेटर्स आपको चारों के चारों हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है। टायर प्रोफाइल की बात करें
तो ATY 100 है टायर प्रोफाइल रियर में, 18 इंच का व्हील मिलता है रियर में, TVS का। शाइन 125 में आपको TVS का टायर मिलता है और SP 125 में आपको सीएट का टायर दिया गया है। अभी बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो शाइन 125 में आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। यहाँ पे डिजिटल तो देना चाहिए था भाई, लेकिन एनालॉग दिया गया है यहाँ पे। फ्यूल के लिए टेकोमीटर, इंडिकेटर्स, कंट्रोल्स आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स के मिलते हैं, हॉर्न के सिंगल हॉर्न मिलता है यहाँ पे, पासिंग की और ये हाई बीम के लिए और नीचे लो बीम के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट के लिए। और वही दूसरी तरफ एसपी में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, ये एक बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे इंडिकेटर्स के लिए, हॉर्न के लिए, यहाँ पे पासिंग की, हाई बीम, लो बीम नीचे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट के लिए। तो भाई इंजन वाइज दोनों बाइक्स में आपको सेम इंजन मिलता है लगभग, और व्हील भी सिमिलर दिया गया है 18 इंच का। प्राइसिंग में डिफरेंस है लगभग 5 से 6 हज़ार का डिफरेंस है प्राइसिंग में। एसपी 5 से 6 हज़ार महंगा मिलता है शाइन 125 से, और वो जस्टिफाई भी करता है क्योंकि एसपी 125 में आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा मिलता है कंपेटिवली शाइन 125 से। उसे तो भाई अभी बैन कर देनी चाहिए, पता नहीं क्यों रखा है यहाँ पे। तो भाई यही है इन दोनों बाइक्स में डिफरेंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा वाला लेना चाहिए। ज़रूर आपको एसपी 125 भी लेना चाहिए क्योंकि लुक के मामले में कई गुना बेहतर है एसपी 125। फीचर्स में एसपी 125 में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया डिजिटल यहाँ पे, और शाइन 125 में आपको एनालॉग दिया गया यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिया गया, मतलब ये लॉलीपॉप है। जो भी हो आपको ज़रूर एसपी 125 लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस वीडियो यही तक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।